हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद पंकज सर टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग डायमेंशंस ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आज हम डिस्कस करेंगे डायमेंशन ऑफ कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है द फोर डायमेंशंस ऑफ कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी shown in स्क्रीन फर्स्ट इज द वर्क प्लेस is इज द third थर्ड इज़ द fourth फोर्थ इज द मार्केट प्लेस कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि कंपनी अपना बिजनेस करे साथ साथ सोसाइटी का भी कुछ भला करे सोसाइटी के लिए कई सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करे जिससे सोसाइटी का क्या हो वेलफेयर हो सोसाइटी के लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे सोसाइटी के लोगों को गुड वैरायटी के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करे जहाँ कंपनी ऑपरेट हुई है वहाँ पर पोल्यूशन क्रिएट ना करे दिस इज़ कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट इज़ वर्क प्लेस दिस इज़ अबाउट हाउ यू सपोर्ट एंड एंगेज योर एम्प्लॉइज पहला क्या आता है वर्क प्लेस वर्क प्लेस का मतलब ये होता है कंपनी ने अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए हैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट एच आर डिपार्टमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एंड वेरियस डिपार्टमेंट्स अलग अलग डिपार्टमेंट्स है अलग अलग डिपार्टमेंट्स का अलग अलग वर्क एरिया है तो कंपनी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एम्प्लॉयज़ के प्रति कि एम्प्लॉयज़ जो आपकी कंपनी में वर्क कर रही हैं तो एम्प्लॉयज़ के लिए कंपनी क्या कुछ कर रही है एम्प्लॉयज़ को टाइमली सैलरी दे रही है एम्प्लॉय को गुड वर्किंग कंडीशन दे रही है एम्प्लॉय को कंपनी मोटिवेशन दे रही है एम्प्लॉयज़ को कंपनी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कर रही है या नहीं कर रही है सो दिस इज अबाउट वर्क प्लेस सेकेंड इज़ द कम्युनिटी दिस इज़ अबाउट हाउ यू इंटरेक्ट विद योर लोकल कम्युनिटी पार्टनर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन्स सेकेंड डायमेंशन ये आता है द कम्युनिटी कंपनी की कम्युनिटी के प्रति क्या जिम्मेदारी है जिस कम्युनिटी जिस सोसाइटी में कंपनी ऑपरेट हुई है वहाँ के लोगों का कंपनी कितना ध्यान रख रही है वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है कम्युनिटी में जो लोग रह रहे हैं उनको अच्छी वैरायटी के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है जिस कम्युनिटी के पास कंपनी ऑपरेट हुई है क्या कंपनी वहाँ पोल्यूशन तो क्रिएट नहीं कर रही है तो ये सारी जिम्मेदारी कंपनी की किसके प्रति होती है कम्युनिटी के प्रति नेक्स्ट आता है द इन्वायरमेंट दिस इज अबाउट हाउ यू रिड्यूस री और रिसाइकल रिसोर्सेज टू मिनिमाइज निगेटिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स थर्ड डायमेंशन आता है द इन्वायरमेंट कंपनी की जिम्मेदारी इन्वायरमेंट के प्रति क्या है कंपनी की यह जिम्मेदारी बनती है कि कंपनी अपना बिजनेस करे लेकिन साथ साथ ये भी ध्यान रखे जिससे इन्वायरमेंट का कोई नुकसान ना हो कंपनी इन्वायरमेंट में पोल्यूशन क्रिएट ना करे जिससे ह्यूमन बीइंग और अदर स्पीशीज की लाइफ में क्या हो सके खतरा हो सके तो कंपनी की जिम्मेदारी इन्वायरमेंट के प्रति ये बनती हैं कि रिसोर्सेज को रिसाइकलिंग करें जो भी वेस्ट मटेरियल हैं उनको रिसाइकल करके यूज़फुल मटेरियल बनाएं ताकि इन्वामेंट में निगेटिव इम्पैक्ट ना हो हम एग्ज़ाम्पल से समझते हैं कि कैसे कंपनी इन्वायरमेंट पे निगेटिव इम्पैक्ट नहीं कर सकती है अब आप देखो पेपर बनते हैं पेपर बनने के लिए किसकी ज़रूरत होती है ट्रीज़ की ज़रूरत होती है मान लो कंपनी ट्रीज़ को कटवा के पेपर बनाती रहेंगी तो क्या होगा जब अगर ट्रीज इन्वायरमेंट में नहीं रहेंगे तो इन्वायरमेंट में क्या हो जाएगा ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी लोगों को सांस लेने में दिक्कत आ जाएगी तो इसीलिए कंपनी को क्या करना चाहिए पेपर को क्या करना चाहिए रिसाइकल्ड करना चाहिए <स्थ> जिसे इन्वामेंट में निगेटिव इम्पैक्ट ना पहुँचे फोर्थ डायमेंशन द मार्केट प्लेस दिस इज अबाउट हाउ योर कंपनी मेक्स रिस्पांसिबल कॉमर्शियल डिसीज़न्स इन डीलिंग विद सप्लायर्स एंड कस्टमर्स कंपनी की कुछ मार्केट प्लेस के प्रति भी कुछ जिम्मेदारी हैं जिस मार्केट में जिस लोकेलिटी में कंपनी ऑपरेट हुई है कंपनी की कुछ सप्लायर्स कुछ कस्टमर्स के प्रति भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कंपनी की सप्लायर के प्रति ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सप्लायर कंपनी को रेगुलर रॉ मटेरियल और अदर मटेरियल सप्लाई कर रहा है प्रोडक्ट बनाने के लिए तो कंपनी की सप्लायर के प्रति ये जिम्मेदारी बनती है सप्लायर को टाइमली पेमेंट दे सप्लायर से गुड रिलेशन बना के रखे कंपनी की कस्टमर के प्रति ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कस्टमर को अच्छी वैरायटी के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करे कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करे कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करने के बाद कंपनी कस्टमर के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बनाए जिससे कस्टमर की भी नीड पूरी होगी और कंपनी का भी ऑब्जेक्टिव पूरा होगा दूसरी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मार्केट प्लेस के लिए ये है कि जिस मार्केट में कंपनी ऑपरेट हुई है वहाँ पर जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं उन रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करें कंपनी की कॉम्पिटिटर के प्रति ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर कॉम्पिटिटर कोई अच्छी वैरायटी का गुड्स सामने ला रहा है कंपनी के तो कंपनी ये नहीं है कि उसको मारे पीटे या उसके लिए कुछ गलत करवाए कंपनी को अपने प्रोडक्ट में भी सुधार लाना चाहिए ताकि एथिकली कंपनी कॉम्पिटिटर से कॉम्पिटिट कर सके इन एक्शन कंपनी कॉम्पिटिटर के लिए ना ले जिससे किसी को कोई नुकसान हो सो दिस इज अबाउट डायमेंशंस ऑफ कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी Please like, share, and subscribe my channel and press the bell icon. Thank you, have a nice day.